नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एनएन स्पोर्ट्स के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया का अपकेट स्पॉन्सर कौन हो गया है। इस रेस में कई सारी बड़ी कंपनीज थी, लेकिन बाजी किसने मारी और किसने आखिर इसे अपने नाम कर लिया। अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर नई किट के साथ मैदान पर नजर आने वाली है। अब कैसी होगी किट और कौन बना टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर, ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टीम इंडिया सिडनी में है और लगातार प्रैक्टिस कर रही है। भारतीय टीम के कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं और इसी के साथ टीम इंडिया को क्रिकेट का नया स्पॉन्सर मिल गया। बीसीसीआई ने मोबाइल प्रीमियर लीग से हुए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। दोनों के बीच ये करार टीम इंडिया के ऑफिशियल किट और उनके कपड़ों को लेकर हुआ है। इससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नाइकी के पास था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2016 से 2020 तक का था। अब बीसीसीआई और एमपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक का है। अब ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया जब मैदान पर उतरेगी, तब उनकी किट का स्पॉन्सर एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग होने वाला है। बीसीसीआई और एमपीएल के बीच का ये करार भारतीय मेंस की टीम के अलावा महिला टीम और अंडर 19 क्रिकेट टीम की किट को लेकर भी हुआ है। बीसीसीआई से हुए करार में एमपीएल को टीम जर्सी के अलावा दूसरे कपड़ों को भी फैंस को किफायती दाम पर बेचने के राइट्स हैं। बता दें कि हर मैच में नाइकी द्वारा भुगतान किए जा रहे 88 लाख हर मैच के बजाय अब 65 लाख रुपए हर मैच होगी। इसी के साथ बीसीसीआई को सामान की बिक्री से रॉयल्टी के तौर पर 10% हिस्सा भी मिलेगा। बीसीसीआई के साथ नाइकी ने 2016 से 2020 तक 5 साल का करार किया था, जिसके लिए उसने 30 करोड़ रुपए रॉयल्टी के साथ 370 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। बताया जा रहा है कि कोविड 19 की वजह से बिगड़ी आर्थिक स्थिति के चलते कोई भी इतनी धनराशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था जितना नाइकी ने किया था। एमपीएल अभी आईपीएल की दो फ्रेंचाइजी टीम से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। एमपीएल से हुए करार को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि इंडियन क्रिकेट का नया दौर है। इसके अलावा बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने इस डील पर कहा कि उन्हें नए ब्रांड की तलाश थी, जो कि एमपीएल स्पोर्ट्स पर आकर खत्म हुई। भारतीय टीम को अब ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। इस रिपोर्ट्स की माने तो टीम इंडिया की अब वनडे और T20 की जर्सी रेट्रो लुक की है। ये ठीक वैसी ही जर्सी हो सकती है जैसे टीम इंडिया ने साल 1992 के वर्ल्ड कप में पहनी थी, लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट भी जरूर करें।